गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉलीवुड क्रेजी न्यूज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो गुड्डन फैंस के लिए एक खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि शो में एक एंट्री होने वाली है। इस एंट्री को लेकर लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि ये एंट्री निशान मलकानी का रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि शो में अक्षत का किरदार निभाने वाले निशान मलकानी को रिप्लेस किया जाएगा, उनकी जगह पर कोई और आएगा। लेकिन जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि सही वक्त आने पर वो इस बात को कंफर्म करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि निशान मलकानी शो को नहीं छोड़ रहे। अगर वो शो को छोड़ रहे होते तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत ना करते और बातचीत करके ये बात ना कहते कि वो लोग घर में शूट करने वाले। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि निशान मलकानी शो को नहीं छोड़ रहे। तो दूसरी जो एंट्री वाली बात है वो कहाँ से आई, चलिए आप लोगों को बताते हैं। दरअसल ये खबरें इंस्टाग्राम से आई हैं। अभी तक के इस खबर को किसी भी वेब पोर्टल ने नहीं छापा है। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर जो फैन क्लब है गुड्डन के, वो उनमें चिटचैट चल रही है कि एक नई एंट्री होने वाली है गुड्डन में। ये निशांत का, कुछ लोगों का मानना है कि ये निशांत का रिप्लेसमेंट हो सकता है, कुछ लोगों का मानना है कि ये एज अ विलन एंट्री होने वाली है। यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया गया आशीष कपूर का, एक्टर आशीष कपूर का। उन्होंने अपना गुड्डन के लिए ऑडिशन दिया होगा और वो अपलोड किया गया। अब ये आशीष कपूर ने खुद ने किया या फिर किसी और ने किया, इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन अकाउंट जो दिखा रहा है वो आशीष कपूर से ही दिखा रहा है। तो उन्होंने गुड्डन के लिए जो ऑडिशन दिया है वो अपलोड किया गया और इसी ऑडिशन को देखने के बाद ये बातचीत चल रही है कि शो में एक और एंट्री होने वाली है। लेकिन अभी तक कि ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो निशान मलकानी की जगह लेंगे या फिर एज अ विलन आएंगे। इतना तो कंफर्म है कि वो निशान की जगह नहीं लेंगे। अगर वो उनकी एंट्री होगी भी तो एज अ विलन आएंगे। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर आशीष कपूर का एक ऑडिशन वीडियो देखा। उसी वीडियो को देखने के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद उनकी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में एंट्री होने वाली है। और यही सारी चर्चाएं इंस्टाग्राम पर उनके फैंस कर रहे हैं कि शायद उनकी एंट्री होने वाली है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैंने सोचा इस बात को कंफर्म किया जाए, क्या वो सच में एंट्री कर रहे हैं और उनका कैरेक्टर क्या होने वाला है। तो मैंने उनसे व्हाट्सअप पर बातचीत की है। बातचीत में मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा क्या वो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया अभी कुछ भी बताने से। अब जाहिर सी बात है, मुझे पहले ही पता था कि वो कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि प्रोडक्शन की तरफ से परमिशन नहीं मिलती है कुछ भी बताने की। और इसी वजह से अभी किसी भी वेब पोर्टल ने इस खबर को नहीं छापा है कि आशीष कपूर गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि शायद आशीष कपूर की शो में एंट्री होगी एज अ विलन, ना कि वो अक्षत को रिप्लेस करेंगे। दोस्तों, कमेंट करके बताएं इस पर आपकी क्या राय है। अगर आप चाहते हैं आशीष कपूर का ऑडिशन वाला वीडियो गुड्डन के लिए देखना तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। देखकर मुझे कमेंट करके बताइए इस पर आपकी क्या राय है। आपको क्या लग रहा है कि ये विलन के लिए ऑडिशन है या फिर अक्षत के कैरेक्टर के लिए? अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।